हेलो दोस्तों, मैं हूं मुजम्मिल और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दो वॉचेस का कंपैरिजन, क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही थी कि एच के 8 प्रो मैक्स को एच के 9 अल्ट्रा 2 से आप कंपेयर करें, ताकि हम फर्क जान सकें कि दोनों वॉचेस में फ़र्क है क्या। तो गाइज, एक तरफ हमारे हाथ में एच के 8 प्रो मैक्स सेकेंड जनरेशन, जो कि एप्पल वॉच अल्ट्रा 1 का क्लोन है, जो कि सबसे पहला आया था एमोलेड डिस्प्ले में, और दूसरी तरफ मेरे हाथ में एच के 9 अल्ट्रा 2, जो कि एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 का क्लोन है, जो कि अभी का सबसे लेटेस्ट क्लोन आया है सुपर एमोलेड डिस्प्ले में और भरपूर फंक्शंस के साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इजाफी तौर पे बताता चलूँ कि मार्केट में कुछ इस किस्म की होशियारी चले, इससे पहले बता रहा हूँ। देखिए, ये मॉडल जो नंबर है ये है एच के 9 अल्ट्रा 2, जो कि लेटेस्ट वॉच है, और इससे पहले आता था एच के 9 अल्ट्रा। ये सिंपल वॉच है, ये कोई एमोलेड डिस्प्ले में नहीं आती, ये नॉर्मल वॉच है, चैट जीपीटी सपोर्टेड है, लेकिन इसके यहाँ पर आपको बॉक्स में एमोलेड तो पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसकी वॉच में आपको अंदर कोई डिस्प्ले में रियल एमोलेड नहीं है। इसकी मैं अनबॉक्सिंग ज़रूर करूँगा कुछ ही दिनों में, तो ये आपको चेक करने को मिल जाएगी। तो भाई, आप इस धोखे में मत आइएगा कि आप ये वॉच समझ के, एच के 9 अल्ट्रा 2 समझ के एच के 9 अल्ट्रा को ऑर्डर कर रहे हो। सबसे पहले एच के 8 प्रो मैक्स का बॉक्स ओपन करते हैं। यहाँ हमें डिवाइस मिल जाती है सिंपल सी, यहाँ हमें एक अदद यूज़र मैनुअल मिल जाती है, और यहाँ पर एक इसका वायरलेस चार्जर और एक स्ट्रैप के साथ ही आती है। और सेकंड नंबर पे हम बॉक्स ओपन करते हैं एच के 9 अल्ट्रा 2 का, और यहाँ पर सबसे पहले हमें एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, और इसकी यहाँ पर हमें एक अदद स्ट्रैप मिल जाता है और एक अदद वायरलेस चार्जर और यहाँ डिवाइस मिल जाती है। दोनों वॉचेस का चार्जर सेम है, एक ही क्वालिटी में आता है, वो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहले इसके बॉडी साइज़ की बात कर लेते हैं। तो दोनों का बॉडी साइज़ आपको सेम मिलेगा, 49 mm। ये वाली एच के 8 प्रो मैक्स है और ये है एच के 9 अल्ट्रा 2। अब आप कह रहे होंगे, यार तुम्हें कैसे पता चल रहा है? तो भाई, सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर एच के 9 अल्ट्रा 2 में आपको GPS एंटीना मिल जाएगा, सही है, और एच के 8 प्रो मैक्स में कोई भी GPS एंटीना नहीं आता। GPS एंटीना आपको एप्पल के ओरिजिनल वॉच में भी मिलता है। इस साइड की बात करी जाए तो यहाँ पे भी आपको दोनों की शेप तकरीबन सेम देखने को मिलेगी, लेकिन कलर की बात करी जाए तो ओरिजिनल से जो मिलता हुआ कलर है वो आपको मिलेगा एच के 9 अल्ट्रा 2 का। एच के 8 प्रो मैक्स का थोड़ा सा ओरिजिनल से लाइट कलर आपको मिलेगा। अच्छा गाइस, दोनों वॉचेस में आपको स्ट्रैप लॉक मिल जाएंगे और चारों साइड पे स्क्रू इंस्टॉल मिल जाएंगे। ये है एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 का क्लोन और ये है एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्लोन। अगर मैं बात करूं क्राउन की, तो दोनों के क्राउन में आपको स्मूथ मिलेगा, किसी में भी कोई टिक टिक की साउंड नहीं है। GPS एंटीना मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग नहीं समझ में आए उनको वाजे तौर पर ना दिखाओ, ये जो एक बॉर्डर की लाइन जा रही है ये एप्पल वॉच ओरिजिनल में आती है, अल्ट्रा 2 में, अल्ट्रा में, इसको कहते हैं हम GPS एंटीना, ये जो आप ग्रे कलर की लाइन दिख रहे हैं, और ये लाइन हमें एच के 8 प्रो मैक्स या एच के 8 प्रो मैक्स सेकेंड जेन में किसी में भी चेक करने को नहीं मिलेगी। अच्छा गाइस, अब दोनों को ऑन करते हैं। दोनों अपने ऊपर वाले बटन से ऑन होंगी। मेरे लेफ्ट हैंड में जो है वो एच के 8 प्रो मैक्स है और राइट हैंड पे आपको एच के 9 अल्ट्रा 2 मिल जाएगी। एच के 9 अल्ट्रा 2 में आपको वेलकम की थीम मिलेगी कुछ इस तरीके से। सबसे पहले एच के 8 प्रो मैक्स में मैं बताता चलूँ, लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं तो एच के 8 प्रो मैक्स पढ़ने को मिल जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ये बताएगा कि किस तरीके से आपने ऑपरेट करना है वॉच को, डिजिटल क्राउन को और साइड बटन को। और अब आ जाते हैं हम होम स्क्रीन पर। इसी तरीके से बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, इसमें आप इंग्लिश को सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको सबसे पहले एच के 9 अल्ट्रा 2 बोलेगी पेयरिंग करने को। आप अगर यहाँ से स्टार्ट पेयरिंग करते हैं तो ये आपको बोलेगी कि एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर ली है तो आप इसको स्कैन करो और पेयर कर लो। और बैक पर आते हैं हम इसके, जैसे कि अभी हम पेयरिंग नहीं कर रहे तो हम स्किप कर देंगे और यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अब ये बता रहा है भाई आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ऑपरेट होंगी, ये वन बाय वन आपको सारी डिटेल बताएगी वॉच अपना खुद ही, तो आप ये चेक कर सकते हैं, सारी वर्डिंग आपके सामने होगी कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है आपने, या जो भी इसके बटन्स हैं और जो भी उनके फंक्शंस हैं ये आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको भी स्किप करता हूं और मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। और ये बात कर रही है कि QR कोड को स्कैन कर लें। सबसे पहला वॉच फेस आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 का ये वाला चेक करने को मिल जाएगा, इसमें एच के 9 अल्ट्रा 2 में। इसके अंदर आपको सारे लेटेस्ट वॉच फेसेस मिलेंगे, नंबर 2 पे ये मिल जाएगा, नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे ये वाला टॉकिंग टॉम टाइप का, नंबर 5 पे ये, नंबर 6 पे ये, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, टोटल आपको इसके अंदर बिल्ट इन जो है वो 9 वॉच फेसेस मिलेंगे। एच के 8 प्रो मैक्स में नंबर 1 पे आपको ये मिल जाएगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, इसमें भी आपको टोटल 9 वॉच फेसेस मिलेंगे। तो गाइज, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। एच के 9 अल्ट्रा 2 में जो आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, ये मिलेगा आपको वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम 10। मैं अगेन आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं इसका इंटरफेस ओपन करूँगा तो ये एच के 9 अल्ट्रा 2 अपडेटेड वॉच है, तो इसके अंदर आपको 10 पे अपडेट मिलेगा।
और अगर मैं बात करूं HK8 Pro Max में, तो आपको वो पुराना वाला वर्जन मिलेगा चेक करने को, हनीकॉम का जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आता था एप्पल का। तो इसके अंदर कोई अभी तक अपडेट नहीं करा है इन्होंने, 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो नंबर वन पे आपको एक ये वाला मिलेगा। और इसके अंदर जो है HK9 Ultra 2 में आप डबल टैप करेंगे तो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको मिल जाएगा, जो कि HK8 Pro Max में मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ऐसे अगेन मैं आपको चेक कराते चलूँ, लेफ्ट हैंड में मेरे पास है HK8 Pro Max और राइट हैंड में है HK9 Ultra 2, और इसका इंटरफेस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम 10 की तरह मिलेगा और इसका ओल्ड वर्जन। अच्छा तो गाइज डबल टैप करते हैं और इंटरफेस चेंज करते हैं कि भाई इसमें आपको सेकंड नंबर पे ये वाला इंटरफेस मिल जाता है HK8 Pro Max में, और सेकंड नंबर पे आपको HK9 Ultra 2 में ये वाला इंटरफेस मिल जाता है, एंड थर्ड नंबर पे डबल क्लिक पे आपको HK8 Pro Max में ये वाला इंटरफेस मिलता है, और इसमें डबल क्लिक पे थर्ड नंबर पे आपको ये वाला इंटरफेस मिल जाएगा कुछ इस स्टाइल में, एंड नंबर फोर्थ पे आपको HK8 Pro Max में ये वाला इंटरफेस मिल जाएगा, और इसमें नंबर फोर पे आपको ये वाला इंटरफेस मिल जाएगा जो कि अभी का सबसे लेटेस्ट इंटरफेस है, कुछ ज़बरदस्त सा देखने को मिलेगा। एंड नंबर फोर के बाद HK8 Pro Max में टोटल 4 इंटरफेस मिलेंगे, और इसमें देखते हैं नंबर फोर के बाद हमें कितने मिलते हैं, नंबर फाइव भी आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से चेक करने को। एंड मज़ीद चेक करते हैं तो इसमें आपको नंबर सिक्स भी मिलेगा ये वाला इंटरफेस। तो टोटल आपको इस वॉच के अंदर 6 इंटरफेस मिल रहे हैं, और इसमें 4 नोटिफिकेशन आपको ऊपर ही मिलेंगे इसके कंट्रोल पैनल दोनों के इस तरीके से। HK8 Pro Max में स्लाइड करने पे आपको नीचे ये वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि पुराना है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम 10 में आ रहा है इसको स्लाइड करने पे आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो कि 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा मज़े की चीज़ दिखाऊँ, इसका अगर हम एक्टिविटी रिकॉर्ड खोलते हैं तो ऐसा शो होगा, और इसकी थीम में बहुत ही ज़बरदस्त सा कुछ नया स्टाइल्स इन्होंने बनाया, कुछ इस तरीके से शो होगा। अच्छा यहाँ पर एक्टिविटी रिकॉर्ड में आपको 1x1 यहाँ पर सारी डिटेल देखने को मिलेगी कुछ अलग थीम्स के कलर के साथ, और यहाँ पर आपको सिंपल जैसे कि पहले मिलता था एज़ यूजुअल वैसे ही। HK8 Pro Max में आपको ChatGPT मिलेगा कुछ इस तरीके से चेक करने में, और इसमें ChatGPT भी मिलेगा और स्मार्ट क्वेश्चन एंड आंसर आप कर सकते हैं, और इंटेलिजेंट क्रिएशन का भी ऑप्शन मिलने वाला है। HK9 Ultra 2 में आपको AI रोबोटिक फंक्शन मिल जाएगा, जिधर आप अपने कमांड देकर कोई भी पिक्चर अपने हिसाब से, जैसा कि हम इधर डिमांड करेंगे यहाँ पर, तो ये आपकी एप्लीकेशन से कनेक्ट होगी। अगर मैंने कहा कि भाई एक एप्पल की पिक्चर ये क्रिएट करो, तो यहाँ पर आकर एप्पल की पिक्चर क्रिएट कर देगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर, जो मोबाइल में इंस्टॉल है वेयरफिट प्रो की, आप मैनुअली वही जो उसने एप्पल की पिक्चर क्रिएट करी है आप इसके अंदर एप्लीकेशन के ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं। HK9 Ultra 2 में आपको ड्रेनेज का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ से बाकायदा एयर भी पास होती हुई आएगी, और आपको ये जो बात करी जाए, अच्छा हम वीडियो बना रहे थे तो नोटिफिकेशन बार बार आ रहे थे जिसकी वजह से वीडियो को रोकना पड़ा। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि भाई ये इसके अंदर IP68 की आपको वाटर का, मतलब ये बोलते हैं कि सर्टिफाइड है IP68 में, तो इसमें आपको ड्रेनेज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से एयर भी पास होगी, ये ऑप्शन भी आपको HK8 Pro Max में नहीं मिलता है। अच्छा यहाँ गेम्स में आते हैं तो आपको यहाँ पर बिल्टन तो 2 गेम इसके अंदर मिल जाएंगे, आप इसकी एप्लीकेशन के ज़रिए भी गेम इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे मैंने इसके अंदर एप्लीकेशन के ज़रिए एक नहीं 4 गेम्स इंस्टॉल करे हुए हैं। नंबर वन पे तो मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि आपको ये वाला गेम मिलेगा, जो कि आप कभी बोर हो रहे हैं तो आप प्ले करके खेल सकते हैं। ये गेम्स वगैरह आपको नहीं मिलते थे दूसरी वॉच में HK8 Pro Max में, एक तो ये फ़र्क है, और एक नहीं आपको मल्टीपल गेम मिल जाएंगे इधर रेसिंग के हवाले से भी कुछ इस टाइप का, ये वाला भी आपको मिल जाएगा कि आप बोर नहीं हो पाओगे। अच्छा वेयरफिट प्रो की जो हमने ऐप से कनेक्ट करा हुआ है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मार्केट मिल जाएगी, ये वर्ल्ड क्लॉक, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें से आप देख रहे होंगे काफ़ी चीज़ें मैंने इंस्टॉल करी हुई है इस ऐप में। अच्छा ये HK8 Pro Max में हमें ऑप्शन नहीं मिलता है। HK9 Ultra 2 में हमें 2GB की बिल्ट इन मेमोरी मिल जाती है, हम अपने मोबाइल के ज़रिए उसमें म्यूज़िक भी डाल सकते हैं, कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं डालकर यहाँ से। अच्छा HK9 Ultra 2 में आपको वर्ल्ड क्लॉक भी मिल जाएगी, जिसमें आप तमाम कंट्रीज़ के टाइम देख सकते हो, देख रहे हो आप कितनी सारी डिटेल के साथ, जैसे हमारे मोबाइल में वर्ल्ड क्लॉक होती है ऐसी तमाम कंट्री की आपको यहाँ पर टाइम सेट में, जो भी आप टाइम सेट सेट करना चाहते हो जिस कंट्री से भी हो, आप यहाँ से सेट कर सकते हो उसका। अच्छा गाइज ये फंक्शन मैं आपको सारे इसमें इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये हमें इसमें नहीं मिलते HK8 Pro Max में, तो इसी वजह से इसके फंक्शंस बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर जो हम नीचे स्लाइड करते हैं हमें ये कंट्रोल पैनल यहाँ पर चेक करने को मिलता है, और यहाँ नीचे स्लाइड करने पे हमें
और ये वॉच 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। अब ये वाला अगर हमें कंट्रोल पैनल चाहिए नीचे स्लाइड करने वाला, तो हम सेकेंडरी बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा कुछ इस तरीके से। और ऊपर से आप नीचे यहाँ स्लाइड करेंगे तो यहाँ आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अब जैसे ही मैं यहाँ से HK9 Ultra 2 को यहाँ करूँगा तो आपको ये सेंसर मिलेगा, यहाँ पर HK8 Pro Max में ये वाला मिलेगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे मज़ीद सारी हार्ट रेट की डिटेल्स चेक करने को मिल जाएगी, इधर आपको यहाँ मिलेगी। मज़ीद स्लाइड करते हैं, यहाँ स्लीप मॉनिटर मिल जाएगा आपको कुछ इस तरीके से शो होगा ज़बरदस्ती थीम के साथ। यहाँ पर शॉर्ट वीडियो रिमोट कंट्रोलर शो होगा। आगे करते हैं तो यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोलर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ब्रीथ रेट चेक करने को मिल जाएगा। अच्छा, इसकी ख़ास बात बताता चलूँ, म्यूज़िक कंट्रोलर में आपको 2 GB की बिल्ट इन मेमोरी के साथ आप इसके अंदर कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकते हो। ये सारे इसके अंदर बिल्ट इन सॉन्ग आए हुए हैं, ये आप इसमें से कोई भी इंजॉय कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ से म्यूज़िक मतलब वॉइस वगैरह बढ़ानी है तो वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। और मैं बैक पर आऊँ तो आपको यहाँ पर इसके अंदर डायनेमिक आइसलैंड भी चेक करने को मिलेगा। ये देख रहे हैं आप फ्रंट पे आपको जो ऊपर टॉप पे मिल रहा है, ये आपको इसमें नहीं मिलेगा। ऐसे ही दोनों में आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड मिल जाएगा चेक करने को कुछ इस तरीके से, इसमें इस तरीके से। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका शॉर्ट वीडियो रिमोट कंट्रोलर मिलेगा और यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोलर मिलेगा HK8 Pro में। HK9 Ultra 2 में आपको 24 आवर का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा कुछ इस डिज़ाइन में, जो कि फुल डिस्प्ले को कवर करेगा। आप देख रहे हैं ये पूरे बॉर्डर तक कवर कर रहा है और इस तरीके से ये 24 आवर ऑन रहेगा। और अगर बात करें HK8 Pro Max की, तो इसका जो अगर मैं आपको चेक कराता चलूँ तो आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये देखें आप, इसकी देखें, इसकी पूरी स्क्रीन को कवर नहीं कर रहा है ये, और ये वाला जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन को कवर कर रहा है HK9 Ultra 2 का। तो HK9 Ultra 2 का आप ये देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और ये आप चेक कर सकते हैं इसका HK8 Pro Max का। तो इसमें आपको बड़ा मिलेगा और इसमें आपको जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ छोटा मिलेगा, फुल स्क्रीन में नहीं मिलेगा। अगेन मैं आपको दोनों की सेटिंग्स भी चेक कराता चलूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं इसकी सेटिंग्स में आ गया और यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाते हैं और यूनिवर्सल में आएंगे दोनों के, तो अबाउट दिस मशीन एंड अबाउट दिस मशीन। तो ये है HK9 Ultra 2 और ये है HK8 Pro Max सेकेंड जेन। अच्छा गाइज, इसमें मैं आपको एक कॉलिंग सेंसर टेस्ट करवाता हूँ जो कि किसी वॉच में से पहले नहीं आया। आपके पास ये कॉल आ रही है, आप देख रहे हैं। अब आपने कॉल रिसीव करनी है तो क्या करना है, आपने 1, 2, 3 और ये कॉल रिसीव आप देख रहे हैं, ये कॉल रिसीव हो गई। आपको ज़रूरत नहीं है अपने मोबाइल से यानी कि कॉल पिक करने की, आप यहाँ से भी कॉल पिक कर सकते हैं कुछ इस स्टाइल में। तो गाइज, इसी तरीके से आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको वॉच कौन सी पसंद आई है। इस वॉच में काफ़ी सारे फंक्शंस थे तो इसको हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ा। इसकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, दोनों की अनबॉक्सिंग वीडियो मौजूद है। अगर आप पूछेंगे कि दोनों में से कौन सी बेस्ट है, तो मैं आपको HK9 Ultra 2 रिकमेंड करूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लिएगा। अल्लाह हाफिज़।